Hello everyone, I am Megha. Welcome to Social on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on types of sociological methods. So today we are going to discuss our first sociological method, that is historical method. So yes, let's start. And if you like my video, then please like, share and subscribe, and please give your feedback in the comment section. So yes, let's start. चलिए तो जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, या आप इसको मेथड भी बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल मेथड. हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग पास्ट इवेंट्स. आपको हिस्टोरिकल से ही पता चल रहा होगा कि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी हम पास्ट की चीज़ें समझते हैं कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं. द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ टू रीच इनसाइट और कंक्लूजन अबाउट पास्ट पर्सन और अकरेंस. आप इसका पर्पस क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च का पर्पस क्या है, कि पहले जो चीज़ें हो गई हैं, पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं, इफ़ इट्स रिलेटेड टू पर्सन और इफ़ इट्स रिलेटेड टू एनी इवेंट्स, उसके बारे में आप समझने की कोशिश करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, उसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च एंटेल्स मोर देन सिंपली कंपाइलिंग एंड प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट ऑल्सो रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन पर्पस क्या है, कि सिंपली वो कंपाइल कर रहा है प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, पास्ट इन्फॉर्मेशन को, पहले वो पास्ट इन्फॉर्मेशन को देख रहा है और प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ उसको स्टडी कर रहा है, यानी वो ये देखना चाह रहा है कि पास्ट में कौन कौन सी चीज़ों में हम फेल हुए हैं, और उसी को समझने के लिए, ठीक है, वो पहले की चीज़ों को पढ़ता है और अभी प्रेजेंट की चीज़ों को समझने की कोशिश करता है. एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, एंड ही ऑल्सो इंटरप्रेट दैट इन्फॉर्मेशन. देन टिपिकली हिस्ट्री फोकस ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोशल इशूज एंड लिंक बिटवीन ओल्ड एंड न्यू. हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम किस पे फोकस करते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल की बात हो रही हो, या किसी सोशल इशूज़ की बात हो रही हो, या फिर हम उसको लिंक करते हैं कि पुरानी चीज़ क्या है और नई चीज़ क्या है, दोनों के बीच में उसको हम लिंक करके देखते हैं. हम हमेशा पास्ट की चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं तो वो गलतियाँ शायद अभी प्रेजेंट में ना हो, इसलिए हम उसके पास्ट की चीज़ों को जाके देखने की कोशिश करते हैं. सम हिस्टोरिकल रिसर्च एम एट री इंटरप्रिटिंग प्रायर हिस्टोरिकल वर्क्स बाय रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्लेसिंग दैम विद द न्यू एंड ऑफन पॉलिटिकली चार्ज वंस. ज़्यादातर हिस्टोरिकल रिसर्च क्या एम करता है, उसको री इंटरप्रेट करना, ठीक है. अगर पास्ट में कोई चीज़ गलत है तो उसको वो रिवाइज करते हैं, यानी उसमें क्या फिर कोई चेंजेस लेके आने हैं तो उसको रिवाइज करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को या एग्जिस्टिंग इवेंट्स को हम रिवाइज करते हैं, उसको समझते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं हमारे न्यू नॉलेज से. सो दैट इज़ नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च. देन द मेन एम्फेसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डायरीज एंड लाइक. अब आपको मैं बता दूँ कि हिस्टोरिकल रिसर्च में आप दो तरीके से डेटा कलेक्ट करते हो, फर्स्ट इज़ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. वैसे मैं बता दूँ कि सेकेंडरी सोर्सेज पर ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं पास्ट इवेंट्स में. दैन हिस्टोरिकल डाटा आर कैटेगराइज इन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सच एज आई विटनेस रिपोर्ट एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जिसको हम फर्स्ट हैंड जाके कलेक्ट करते हैं, यानी हम खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने वो चीज़ देखी हो सामने से, आई विटनेस यानी आपने उसको सामने से देखा हो, उसको हम जाके कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी रिसोर्स. एंड सेकेंडरी रिसोर्स इंक्लूड्स सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट बाय समवन अदर देन द आई विटनेस. सेकेंडरी जो सोर्सेज है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा प्राइमरी से, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज में आपकी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, आपने खुद ने जाके कलेक्ट नहीं करी है बल्कि किसी और ने देखा है. मान लीजिए वो इवेंट मैंने देखा है एंड आई एम डिस्क्राइबिंग यू और आई एम गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इवेंट, देन इट इज़ नोन एज सेकेंडरी सोर्सेज. सो और टेक्स्ट ऑथर एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट और थ्योरी, यानी हम कहीं टेक्स्ट बुक से, इंटरनेट से, कोई बुक से हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं. देन प्राइमरी सोर्सेज में बी हार्डर टू फाइंड बट जनरली मोर एक्यूरेट एंड प्रेफर्ड बाय द हिस्टोरिकल रिसर्च. सभी को पता है कि प्राइमरी जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और उसमें हमें सब चीज़ सही सही पता चलती है, और हिस्टोरिकल रिसर्चर्स भी ज़्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं. बट इट्स नॉट पॉसिबल इन हिस्टोरिकल रिसर्च बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पास्ट इवेंट्स, तो हमें हमेशा जाके बुक से, डायरी से, डॉक्यूमेंट्स से ही पता करना पड़ेगा. एंड मेजर प्रॉब्लम विथ मच हिस्टोरिकल रिसर्च इज एक्सेसिव रिलायंस ऑन द सेकेंडरी सोर्स. ये एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं आपकी, हिस्टोरिकल रिसर्च हमेशा सेकेंडरी सोर्सेज पे ही बेस्ड है. सो यस, लेट्स
मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज फॉलोइंग स्टेप, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एन आइडिया, टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन। जैसे हमारे हर रिसर्च स्टेप सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, देन वी आर गोइंग टू कंडक्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू। यू हैव टू स्टडी अबाउट द लिटरेचर रिव्यू, यानी पहले जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें आपको पास्ट में जाके उनको पढ़ना होता है, ताकि हम अभी प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए, यानी पास्ट में कोई गलतियाँ हुई हैं तो उसको हम प्रेजेंट में ना करें। दैट इज एंड रिफाइन द रिसर्च आइडिया एंड क्वेश्चंस। ओके, उससे हमें क्या होता है, हमारे आइडियाज़ को हम रिफाइन कर सकते हैं। पहले अगर कोई पास्ट में कोई प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कोई मिस्टेक हुई है या कोई चीज़ में फेलियर हुई है, तो हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, हमें आइडियाज़ और क्वेश्चंस को रिफाइन कर सकते हैं। देन डिटरमाइन द हिस्टोरिकल मेथड विल बी सॉरी डिटरमाइन द हिस्टोरिकल मेथड विल बी द मेथड यूज्ड। आपको मेथड पता करना होता है, यू हैव टू यूज प्राइमरी और सेकेंडरी। देन आइडेंटिफाई द लोकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। अब आपको कहाँ से जाके कलेक्ट करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लोकेशन। देन इवैल्यूएट द ऑथेंसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स मटेरियल। देन आपको उसकी ऑथेंटिसिटी के कितना वो ट्रू है, एक्यूरेसी पता करनी पड़ती है। एंड एनालाइज द डेट एंड डेवलप अ नैरेटिव एक्सपोजिशन ऑफ द फाइंडिंग। देन यू हैव टू फाइंड द डेट एंड नैरेटिव एक्सपोजिशन एंड द लास्ट स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। यानी आपको डेट एनालाइज करनी पड़ती है कि कब वो इवेंट हुआ है, देन यू हैव टू गिव अ नैरेटिव एक्सपोजिशन ऑफ दैट फाइंडिंग। सो दिस आर द स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट। अभी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स भी बाकी हैं, जिसमें इवोल्यूशनरी भी आएगा, कंपैरेटिव भी आएगा, एम्पिरिकल भी आएगा, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ गाइज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर प्रीशियस फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।